फ्रेंड्स, ये देखो अभी स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन किया मैंने, देखो लाइट सब आ गए फ्रेंड्स। ये देखो अभी मैं स्टार्टर मारता हूँ, ये देखो ऐसा आवाज आता है, स्टार्टर नहीं बैठता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक नैनो है फ्रेंड्स, और ये नैनो का प्रॉब्लम ऐसा है कि मॉर्निंग ट्रबल या फिर बीच बीच में दो घंटा रुक गया ना, फिर चालू नहीं होता। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, स्टार्टर मारने से स्टार्टर नहीं बैठता, कट कुट आवाज़ करता है। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसमें से मैं एक प्रॉब्लम तुमको बताने वाला जो कि इस गाड़ी में है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं पहले आपको आवाज़ सुनाता हूँ और कैसा उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे इसका वायरिंग और इसका कनेक्शन, इसका फ्यूज, इसका रिले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसको चाय बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका पहले तो ये देखो फ्यूज बॉक्स इधर है, आपको दिखाता हूँ इसका फ्यूज बॉक्स यहाँ पर है अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सलेटर पैडल, ये ब्रेक का पैडल, क्लच का पैडल के बाजू में ऊपर साइड में ये इसका फ्यूज बॉक्स है। आप देख सकते फ्रेंड्स, ये देखिए बीच में इधर एक वायर आ रहा है। ये सब फ्यूज है फ्रेंड्स, ये ऊपर के फ्यूज है, ये इधर साइड के फ्यूज है, नीचे के ये सब फ्यूज है, और कुछ रिले भी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हॉर्न का, कंडेंसर का, फ्यूल पंप का, इंडिकेटर का एक्स्ट्रा फ्यूज है, फ्यूज फुलर है, लेकिन डायग्नोस्टिक किट का सॉकेट भी यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे स्टार्टर का रिले नहीं है, स्टार्टर का फ्यूज है यहाँ पे। फ्रेंड्स, अभी मैं इधर का तो हो गया, ये इधर स्टार्टर का रिले नहीं है, तो हम दूसरे इधर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। सीट के नीचे ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीट के नीचे, ये सीट के नीचे बराबर बैटरी के पास, ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो स्टार्टर रिले है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों स्टार्टर का रिले है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं निकल के दिखाता हूँ आपको, ये 5 पिन 6 पिन का फ्रेंड्स, ये स्टार्टर का रिले है। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्टार्टर मोटर प्रोटेक्शन यूनिट, स्टार्टर रिले फ्रेंड्स। ये रिले का भी प्रॉब्लम आया ना फ्रेंड्स, तो फिर ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, चालू होने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले ये रिले वो रिले चेक करने से पहले हमको सबसे पहले क्या चेक करने गाइस, और एक मेन रिले फ्रेंड्स, मैं आपको रिले दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद ये देखिए, इधर एक रिले है, ये भी स्टार्टर का रिले है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दो वायर है, ये देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सोलनॉइड का जाता है, जो 12 का मेन वायर रहता है फ्रेंड्स, उसमें से इसमें से जाता है फ्रेंड्स। तो ये बैटरी का मेन इधर से आया और ये स्टार्टर में जाता है, तो ये भी स्टार्टर का बड़ा रिले है मेन। तो वो दो रिले और ये एक रिले, ये भी रिले चेक करना है। एक छोटा सॉकेट भी है उधर फ्रेंड्स, अंदर साइड में, ये देखिए एक छोटा सॉकेट है अंदर, ये वाला एक छोटा सॉकेट है, और दो वायर है, 4 वायर इसको रहते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके बाद इधर साइड में इसको फ्यूज़ आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ, ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है यहाँ पर, इसमें सब फ्यूज़ आते हैं फ्रेंड्स अंदर साइड में। ये देखिए, ये सब फ्यूज़ है उसके, ये फ्यूज़ बॉक्स है जो बैटरी के पास लगा रहता है। ये रिले होने के बाद अभी हम जाएंगे स्टार्टर के पास, स्टार्टर का करंट चेक करने के लिए। फ्रेंड्स, हमको एक ऐसा चेक लाइट चाहिए जो बैटरी पे करंट चेक करने के लिए। अभी डायरेक्ट हम लोग स्टार्टर के पास जाएंगे। देखिए बराबर, ये पीछे का टायर है फ्रेंड्स, हमने इसको जैक लगाया है, जैक लगाना पड़ेगा। एयर रैम्प रहे तो रैम्प के नीचे जा सकते हैं आप गाड़ी ऊपर लगा कर। देखिए चेक लाइट के थ्रू फ्रेंड्स आप नीचे जाएंगे गाड़ी की। ये देखिए, ये चैम्बर है,
ये चैम्बर है और ये इधर बेल्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए ये बेल्ट है, बेल्ट का फिर चैम्बर के बरोबर ऊपर साइड में फ्रेंड्स ये देखिए स्टार्टर है, ये जो दिख रहा है वो वाला, वो स्टार्टर का बोल्ट है फ्रेंड्स, वो स्टार्टर है फ्रेंड्स, यहाँ से भी दिख जाएगा आपको, ये देखिए ये स्टार्टर है, ये जो दिख रहा है ये स्टार्टर फ्रेंड्स, ये 12 का वायर सोलनाइट का, और यहाँ पे छोटा एक वायर है, ये देखिए ये 8 का वायर है, ये वाला 8 का छोटा बोल्ट है, ये बड़ा बोल्ट है, हम दोनों में करंट चेक करेंगे, एक ये और बाजू में एक बोल्ट है ये वाला, इसको एक दो तीनों को भी करंट चेक करेंगे फ्रेंड्स चेक लाइट के थ्रू। फ्रेंड्स ये चेक लाइट का मैंने एक वायर इधर बॉडी में कनेक्ट किया है फ्रेंड्स, बॉडी में अर्थिंग चेक लाइट का एक वायर बॉडी में लगा दिया है, और यहाँ सर फ्रेंड्स मेन में लगा के स्टार्टर का, ये जो वाला पिन है हम स्टार्टर में लगा के इसमें करंट देखेंगे कि आपका रिले से फ्यूज से स्टार्टर से चावी से सब करंट ओके आ रहा है क्या, अगर आपका सब ओके आ रहा है फ्रेंड्स तो समझने का आपका स्टार्टर का प्रॉब्लम है। तीन इसमें है, इसमें भी आना चाहिए करंट और इसमें भी आना चाहिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे फ्रेंड्स तीनों में आ रहा है क्या, पहला नीचे लगा के देखेंगे 8 का, इसमें देखिए ये 8 का है, इसमें लगा के देखेंगे। देशमुख मारा स्टार्टर, देखिए फ्रेंड्स करंट आ रहा है, मारा ये देखिए इसमें करंट आ रहा है फ्रेंड्स, तो बस छोड़ा, और इसमें भी करंट आ रहा है, देखिए हम बड़े वाले में लगाएंगे, मारा स्टार्टर बस छोड़ा, इसमें भी करंट आ रहा है, तो अब ये वाले में चेक करेंगे फ्रेंड्स, और जो बाजू वाला वायर है जो सोलनाइट से स्टार्टर में जाता है उसमें लगा के देखेंगे, इसमें आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है तो सोलनाइट का प्रॉब्लम रहेगा, मारा स्टार्टर मारा, देखिए फ्रेंड्स इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, मारा बस, और फ्रेंड्स इसमें नहीं आ रहा है, मारा बस, फ्रेंड्स इसमें करंट नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, मारा बस, तो फ्रेंड्स इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें नीचे के वायर में आ रहा है फ्रेंड्स करंट, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इधर से जो सोलनाइट के अंदर से इसमें जाता है इसमें नहीं जा रहा, तो फ्रेंड्स अपना करंट इधर तक आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, ये 8 के वायर में 12 के वायर में अगर करंट आ रहा है तो प्रॉब्लम आ रहा है, ओके वायरिंग का रिले का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर से आगे नहीं जा रहा तो ये स्टार्टर का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो इसका स्टार्टर खोलना पड़ेगा, स्टार्टर खोल के हमको सर्विसिंग करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इधर तक करंट नहीं आ रहा है तो आपको रिले फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा या चावी किट चेक करना पड़ेगा, जितना रिले मैंने आपको दिखाया वो रिले चेंज करके चेक करके देखना पड़ेगा, अगर ये इधर तक आपको दोनों करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका स्टार्टर का सर्विसिंग करना पड़ेगा, स्टार्टर का सोलनाइट जल गया रहेगा, ब्रश जल गया रहेंगे, तो आपको इतना करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमने देखा इसमें स्टार्टर के, इसमें सोलनाइट के, इसमें करंट आ रहा है, 8 के वायर में भी करंट आ रहा है, तो फ्रेंड्स करंट नहीं आ रहा है तो आपको आगे का वायरिंग चेक करना पड़ेगा, रिले चेक करना पड़ेगा और फ्यूज़ भी चेक करना पड़ेगा, रिले फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा, अगर आपका स्टार्टर तक करंट आ रहा है सोलनाइट में और स्टार्टर में तो फ्रेंड्स तो आपको स्टार्टर खोलना पड़ेगा, सर्विसिंग करना पड़ेगा। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।